अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मुझे पता है बहुत लेट हूँ, बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, पर टाइम नहीं मिल रहा था और मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर दिन इंशाल्लाह वीडियो शूट करूँगी। तो ये बहुत लेट वीडियो आई है, पर मैंने ट्राई किया है कि मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपके साथ कनेक्टेड रहूँ। और लॉन्ग वीडियो बहुत दिन बाद बना रही हूँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब आज हम बनाएंगे बहुत ईजी चिकन करी बनाएंगे, वो भी रोस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। मस्टर्ड ऑयल लेने का ये मकसद है क्योंकि वो ज़्यादा हार्म नहीं करता है फ्रेंड्स, इस वजह से हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, ठीक है। कुछ खड़े मसाले जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, तेज़पत्ता और थोड़ा सा ही ज़ीरा, एक दालचीनी के टुकड़े, फूल, दो तीन लौंग, 6-7 काली मिर्च, एक इलायची का टुकड़ा, और हमने लिया है यहाँ पर कबाब का मसाला। इसे बेसिकली कबाब का मसाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जो टेस्ट आता है कबाब में बहुत अच्छा आता है, स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। और एक सूखी मिर्च, इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च और हल्दी, और थोड़ा सा मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला भी इसी टाइम इसलिए डाल दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे घरों में ना गरम मसाला पहले ही बन के रोस्ट होके पीस के रख लिया जाता है, तो पुराने हो जाते हैं। तो जब गरम गरम ऑयल में आप उसे डालोगे तभी उसकी जो फ्रेशनेस है वो बाहर आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस वजह से मैं इसे पहले डालती हूँ। और फिर मैंने डाली है 2 बड़े साइज़ के प्याज, अच्छे से वॉश करके इसे ग्राइंड कर लिया है क्योंकि मुझे वो टेस्ट चाहिए था कि एकदम स्मूथ सी ग्रेवी हो। ज़्यादा मुझे मुँह में आने वाली चीज़ें नहीं चाहिए थी। जब स्मूथ ग्रेवी होती है फ्रेंड्स तो वो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, पता ही नहीं चलता आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसे अच्छे से ढक देना है 5 से 6 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे, क्योंकि जितना खाना ढक के पकेगा फ्रेंड्स उतना ही टेस्टी बनेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जितना ढक के पकाओगे। इसी में मैं डाल दे रही हूँ, मैंने 3 टमाटर पीसे थे, उसी में मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची भी पीस ली थी, करीब 10 से 12 मैंने मिर्ची ली थी, उसे भी सामने ग्राइंड कर लिया था क्योंकि मैं लाल मिर्ची ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ट्राई करती हूँ कि ग्रीन ही यूज़ करूँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना हेल्दी चीज़ें यूज़ करूँ। तो बस सेम प्रोसेस, इसे भी हमने ढक देना है और ढक के हमने इसे छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर, ठीक है। अब हमने चिकन लेना है, चिकन की जो पीसेस है ना फ्रेंड्स, चिकन को हमने वॉश कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ फूड कलर यूज़ किया है, आधा फूड कलर आधा रेड चिली, और फिर मैं इसमें टेस्ट के लिए सॉल्ट डाल रही हूँ ताकि चिकन में भी रहे टेस्ट में सॉल्ट। और इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हमें इसमें इसे रोस्ट करना है। रोस्ट इसलिए करना है क्योंकि मैं, आप चाहो ना फ्रेंड्स, आप इसे जब मसाला बनाओ उसी ऑयल में पहले से ही रोस्ट कर लो। रोस्ट करने से ये होता है कि आपकी जो पीसेस हैं वो बहुत टाइट हो जाती हैं, और जब टाइट हो जाती है वो और अच्छा टेस्ट करती हैं। क्योंकि जब मैंने ग्रेवी बना ली थी उसके बाद मेरा चिकन आया था, इस वजह से मुझे बाद में से रोस्ट करना पड़ा। ऑयल को मैंने 1 चम्मच डाल के हीट किया था, उसके बाद जो चिकन था वो मैंने ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद इसे मैंने मिनिमम 5 मिनट हाई फ्लेम पर रोस्ट किया ताकि इसका जो पानी है बस वो ख़त्म हो जाए, तब तक ज़्यादा इसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं ना। चिकन बिना रोस्ट करे आप डालो ना फ्रेंड्स तो वो अलग ही मतलब गुई चीज़ सा हो जाता है, इस वजह से मुझे उसका फ्लेवर उतना ख़ास पसंद नहीं आता। इतना आप रोस्ट कर लो ना 5-6 मिनट तो वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। तो बस हमारे मसाले भी ऑलमोस्ट भुन चुके हैं, आप देख सकते हो 1.5 हो चुका है मसाला, ऑयल भी सारे ऊपर आ चुके हैं। फ्लेम को मैंने लो ही रखा था इस वजह से। और अब क्या करना है, इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद जो हमने चिकन को रोस्ट किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद का कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमने इसके बाद नहीं डाला था, इसके बाद सिर्फ हमें सिर्फ खुशबू के लिए डालना है, बाकी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स। और काफ़ी सिंपल रेसिपी मैं ट्राई करती हूँ बनाने का क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हमारे घर में हों वो चीज़ें हम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि हर किसी के पास हर एक चीज़ हो, तो जो नहीं है वो नहीं है। अब बस इसमें धनिया डाल के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद हमारा चिकन एकदम रेडी हो।